फोन नहीं उठा रही। अनुरिया किसको फोन करेंगे? रमजा को फोन कर रही हूँ। मैं उसे पूछूंगी कि वो बगैर बताए माहिर के साथ यूनिवर्सिटी से बाहर क्यों गई थी, ताकि उसको लगे कि मैंने शिकायत लगाई है उसकी आपसे। नहीं, आप क्यों शिकायत करेंगे, बल्कि आपने तो ये जानते हुए कि माहिर और रमशा एक साथ गए इस बात को इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो आपका भाई है। आप ऐसा समझती हैं कि आपको वाकई ऐसा लगता है कि माहिर की वजह से मैंने आपसे जिक्र नहीं किया? मुझे अफसोस है आपकी सोच पर। और मुझे अफसोस हो रहा है आप पर। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि आप रमशा को माहिर के साथ देखकर इस तरह से इग्नोर कर देंगे, जैसे आपके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मेरा ख्याल था कि रमशा आपसे खुश शेयर करने की, और माहिर को भी मैंने मना कर दिया था कि वो रमशा को लेकर कहीं नहीं जाएगा, अनलेस आपकी आपकी फैमिली की परमिशन जब तक नहीं होगी उसके पास। माहिर के साथ आवारा गर्दी करने के लिए उसे मैं मरकर भी इजाजत नहीं दे सकती। मानूर, आपके दिल में माहिर के लिए इतनी नफरत? बात नफरत की नहीं है फराज, आप अच्छी तरह से जानते हैं माहिर की आदतों के बारे में। लेकिन फिर भी वो मेरा छोटा भाई और रमशा मेरी छोटी बहन है। उसके लिए फिक्रमंद होना, उसका ख्याल करना, क्या मैं गलत कर रही हूँ? मतलब मुझे टेंशन होती है उसके बारे में सोचकर। आपकी अम्मी ने आयमा को यासिर के बर्थडे पर जाने तक की इजाजत नहीं दी थी। मगर ये अलग बात है। ये बात अलग नहीं है, बात एहतियात की है। माहिर को मुझसे ज्यादा आप अच्छे से जानते हैं। आज तक अपनी जिंदगी के किसी भी फैसले के लिए वो सीरियस नहीं हुआ, और ये बात आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आप खुद सोचे ना, अगर किसी दिन वो रमशा को लेकर यूनिवर्सिटी से बाहर चला गया और खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो? सोचा है आपने इस बारे में? मैंने माहिर को बहुत समझाया, बहुत रोका, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। आज मैं उसे ये बात समझा कर रहूंगी। मानूर, अरे मानूर, आप मेरी बात तो सुने। क्या बात सुनूं मैं? आप मुझे माहिर से बात करनी है। मैंने उसे इतनी बार समझाया कि रमशा से दूर रहे, लेकिन उसे मेरी बात समझ नहीं आ रही। मुझे उससे बात करनी है।